नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अब तक तो हमने लोगों की खबरें की हैं, अब तक हमने कई शहरों की खबरें की हैं, अब तक हमने कई ऐसे लोगों की खबरें की हैं जिनको घर नहीं मिला, आवास नहीं मिला। लेकिन इस वक्त हम जो खबर करने वाले हैं वो आपके कान भी खड़े कर सकती है। हम इस वक्त मौजूद है जबलपुर में, जी हाँ, एक स्मार्ट शहर की स्मार्ट रोड में। और इसी स्मार्ट शहर की स्मार्ट रोड में स्मार्ट लोगों के द्वारा दो पौधे रोप दिए गए हैं। जो स्मार्ट पौधे हैं, बिना जड़ वाले पौधे हैं। और कहानी अभी बाकी है, आइए हम थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नितिन थोड़ा सा रुकिए, कैमरा सेटिस्फाइड नहीं चला। ये रोड में किसी ने पौधे लगा दिए, गड्ढा था शायद, तो यहाँ पे पौधे लगा दिए गए। जानकारी है आपको? नहीं, बिल्कुल जानकारी। क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? कुछ नहीं, अच्छी चीज हुई ना। निगम चाहती है कि बढ़िया लोग भिड़े आके, एक्सीडेंट हो और क्या। तो ये एक अच्छा काम किया है जबलपुर वासियों के द्वारा कि खाली पड़ी सड़क पर उन्होंने पौधे लगा करके वृक्षारोपण करने का महत्वपूर्ण काम किया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम किया है। आप चाहते क्या है, पौधे ऐसे ही पड़े रहें और उग जाएं, बड़े हो जाएं? नहीं तो देखे, सरकार देखे आके निकाले ये सब। निगम तो शायद यही चाहता है, जैसी हरकत है निगम की। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। शायद कहीं ना कहीं लोगों ने नगर निगम को मैसेज देने के लिए ही यह कार्य किया है, या हो सकता है लोगों की जान बचाने के लिए पेड़ पौधे लगा दिए। कि निगम का तो काम ही है रोज गड्ढा खोदे और दूसरे दिन फिर आके वो रोड बने, अगले दिन वो गड्ढा खोदे, बोले सिविल लाइन नहीं है, टेलीफोन लाइन नहीं है, बस यही काम कार्यक्रम चल रहा है। जबलपुर पिछले 7-8 सालों से स्मार्ट सिटी बन रहा है, क्या वजह है कि अभी तक बन ही रहा है? नाम में ही स्मार्ट सिटी है। कितना स्मार्ट बन चुका है जबलपुर, वो देख तो रहे आप लोग। ये स्मार्ट है कि रोड में ही पौधे, रोड में ही पौधे लग रहे हैं। क्या लगता है कि निवासियों को, जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, तो हर रोड पे जो गड्ढा होता है यही एक तरीका है, बेहतर तरीका हो सकता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ नहीं, अब क्या करोगे साहब? क्या कहेंगे नगर निगम जबलपुर की इस कार्य प्रणाली के बारे में? नगर निगम कार्य प्रणाली को क्या, नगर निगम आके देखे, ध्यान ही नहीं है भैया, वो लोग तो अपना लगे पड़े हैं, बस अपने हिसाब से अपनी वसूली कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर रोड में इस तरह से किसी ने पेड़ पौधा लगा दिया या गड्ढा था, नगर निगम वालों को तो ये चीज कम से कम देखनी चाहिए कि पेड़ लगे हैं, उनको यह तक खबर नहीं है। डेली कितनी गाड़ी डेली नगर निगम की निकलती है, बड़े से बड़े अधिकारी निकल रहे हैं यहाँ पे। अभी पुलिस प्रशासन के लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से, हर डिपार्टमेंट के लोग निकल रहे हैं। और आखिर में ग्वारीगढ़ मुख्य रोड, ग्वारीगढ़ कौन नहीं जाता, मतलब हर एक नेता जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, सब कोई तो जा रहे हैं। यहाँ से लगभग कितना दूर है ग्वारीगढ़ यहाँ से? क्या, 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर इस जगह से 3 किलोमीटर में आप घाट पहुंच जाओगे। यहीं पे बिग बाजार है, जस्ट इसके बाजू में जहाँ ये पेड़ लगाए गए हैं, बिग बाजार है, हजारों लोग आते हैं। क्या किसी को खबर नहीं है कि इस रोड का क्या हाल है? सब भैया आंख बंद करके बैठे हैं, सब बुरी स्थिति है रोडों की। चलो भैया अपने चक्कर में निकलिए, अब हम पेड़ों से बातें करते हैं। हमने यहाँ पर जबलपुर के निवासियों से बात करने की कोशिश की और जाना जबलपुर के इस नगर निगम जबलपुर की कार्य प्रणाली के बारे में। सीधा सा जवाब है, सीधे तौर पर कहना है कि ये पूरी की पूरी रोड खस्ता हाल है और यहाँ के लोगों ने शायद लोगों की जान बचाने के लिए, नगर निगम को आईने दिखाने के लिए पौधे रोप दिए। कि आपको इसमें लगाया किसने और यहाँ पर बीच सड़क पे चौड़िया करके आप बिल्कुल लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उसके बाद ही फूल चौड़ी आए हुए हैं, और सरकार हो गए हैं, तो अपने आप में कैसा लग रहा है? घमंड आ रहा है कि भैया हम तो चौड़िया के लग गए हैं, बिल्कुल बीच रोड में। हम कहाँ थे, आज कहाँ पे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम बात करेंगे, कुछ और युवा आ गए हैं, हमने इन पौधों से भी बात की, यहाँ के लोगों से भी बात की। आइए जानते हैं इस जगह की हाल खबर। कभी आपने रोड के बीचों बीच पेड़ पौधे लगे देखा है? नहीं। आप इस जगह को देखिए, पहली बार देखिए, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? ये हो रहा है, हाँ, क्या महसूस हो रहा है अभी? तो भाई साहब एक्चुअली में हमको ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक गड्ढा था, हम यहाँ से निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, हमने अच्छा, देखा है कि रोड खराब है यहाँ। अच्छा। कहीं कहीं क्या है, रोड में बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे और आगे आगे आपको रोड बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ। लेकिन ये जो गड्ढा है वो उसको पूरा गया है। अच्छा। और पूरने के बाद उस पर किसी ने पेड़ लगा दिया है कि भाई एक्सीडेंट ना हो। अच्छा। कोई आगे पीछे ऊपर ना चढ़े उसके, इसलिए नगर निगम सो गई, इसलिए कोई जागरूक व्यक्ति आया जो समाज
हित में कार्य करना चाहता है और उसने लोगों को ये बताने के लिए पेड़ गाड़ दिया कि भाई यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ से गाड़ी ना निकाले, किसी के साथ दुर्घटना ना हो सके, इसलिए किसी जागरूक इंसान ने ऐसा किया है कि यार ये पेड़ गाड़ दिए यहाँ पे कि भाई वो देख सके, दूर से ही देख सके, रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो देख तो सके क्लियरली कि हाँ यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है तो यहाँ पे निकल रहे हैं अपन, एक्सीडेंट ना हो सके। या ये जो जगह है ये अब यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा था। अच्छा, बहुत बड़ा गड्ढा जी, मैंने देखा है यहाँ पे गड्ढा था, बड़ा गड्ढा था यहाँ पे, कोई गाड़ी यहाँ से निकलती थी, हो सकता था कोई का एक्सीडेंट हो जाए, मेरे को क्लियरली नहीं पता है कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ की नगर निगम क्या कर रही है जो इस तरह से गड्ढे रोड में है? अब सो रही है यहाँ की नगर निगम, ध्यान ही नहीं देती है यहाँ की रोड में। जितनी भी आप थोड़ा सा यहाँ से आगे जाएंगे, ये जो ये राम मंदिर के आगे वाली ये रोड है ना, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक नहीं कई गड्ढे मिलेंगे। अच्छा। और इस रोड पे आप अगर अच्छे से घूमेंगे तो इस रोड पे आपको कई गड्ढे मिलेंगे। अच्छा। एक गड्ढा नहीं मिलेगा। तो ये बताइए, जबलपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है जी, कितने सालों से बन रहा है ये? तो मैंने देखा है अपने हिसाब से, जब से मैं यहाँ जबलपुर में, मैं रहने वाला पन्ना जिला का हूँ। अच्छा। लेकिन मैं जबलपुर में काफी टाइम से रह रहा हूँ, तो मैंने जब से देखा है यहाँ पे डेवलपमेंट जो भी हुआ है, डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत स्लोली काम तो चल रहा है यहाँ पे। मतलब एक स्मार्ट सिटी के लिए इस तरह की नगर पालिका जी शोभा नहीं देती, शोभा सोती रहे। आप बताइए ना, शोभा देती है क्या? अब मैं पूछना, मेरा काम नहीं नहीं, क्लियरली शोभा नहीं देती ना, कोई भी जनता होगी, मैं होगा नहीं, हम लोग बिल्कुल ये सब चीजों को देख के हम लोग खुश नहीं है। स्मार्ट सिटी बन रही है वो चीज ठीक है, क्या है कि जनता से लिया हुआ पैसा ही वापस किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ। तो कम से कम वो चीज तो अच्छे से करो, अगर पैसा ले रहे हो जनता से आप लोग और जनता को ही वापस कर रहे हो कोई ना कोई चीज में, तो वो तो अच्छे से वापस करो, वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे। लगता है आपको कि ये वाकई में नगर निगम वालों ने देखा नहीं, या फिर हो सकता है कि इसकी रिपेयरिंग कागजों में हो चुकी है और पैसा जो निकला होगा बस सरकारी खजाने से वो वही हुआ है और देखकर अनदेखा कर दिया गया है इस चीज को। अच्छा, यहाँ से ऐसा नहीं है, दिन भर में हजारों लोग निकलते हैं, मेन रोड है ये, मेन रोड है, नर्मदा जी के लिए जाते हैं, ग्वारी घाट बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं, हजारों लोग निकलते हैं, ये बात मैं नहीं आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये गड्ढा है और कोई देख नहीं रहा है इस गड्ढे को, तो ये तो नजरअंदाज होना, ये तो मतलब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, बस खत्म बात। और जबकि कोई व्यक्ति या हो सकता है दो तीन व्यक्ति आए हो जी, और उनको लगा हो किसी का एक्सीडेंट ना हो जी, तो उन लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगा दिए हैं, हाँ, कि कोई का एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो, हो सकता है भाई उनके भी घर में कभी कुछ ऐसा हुआ है जो चीज उनको याद है, इसलिए वो ये कर रहे हैं, है ना, अगले के साथ ना हो। लेकिन इन सब चीजों में उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है जिनको जनता ने बनाया है, जैसे नगर निगम है जनता द्वारा जनता के लिए है, उनको देखने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक जिम्मेदारी नहीं है, मैं उनको मतलब 100% तो गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन उनके पास एक संस्था है हाँ, जिसको वो अच्छे से चला नहीं पा रहे, जो पूरे शहर के लिए काम करने के लिए उनके पास मैन पावर है, रिसोर्सेस है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था खराब है, व्यवस्था खराब होने की वजह से ऐसा है कि आगे उनको खबर नहीं मिल पा रही इस चीज की क्या है, वो नहीं निकलते क्या कभी यहाँ से? तो क्या ऐसे ही जबलपुर स्मार्ट सिटी बनेगा? देखिए ऐसा है कि उनको अपना काम सुधारना पड़ेगा जब जाके स्मार्ट सिटी बनेगा, ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। स्मार्ट सिटी बोल देने से क्या स्मार्ट सिटी हो जाता है? कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, उस तरीके का काम भी किया जाता है शहर में। क्या आपको पता है कि नगर निगम में जो कार्य करते हैं कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जी, जो गाड़ी आती है कचड़ा वाला आया घर से कचड़ा निकाल जी, जी, क्या आपको पता है उनको तनख्वाह नहीं मिलती है 3-4 महीने तक तनख्वाह नहीं, इसीलिए तो वो ऐसा करते हैं ना। मेरे मोहल्ले में खुद कचड़े वाला आता है, तो वो पहले बाल्टी से उठा के खुद कचड़ा डाला करता था गाड़ी के अंदर, लेकिन आजकल वो क्या बोलता है, कचड़ा आपको डालना पड़ेगा। अच्छा, बदलाव आ गया है, बदलाव आ गया, कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुआ ना माइंड। उसके साथ ही साथ बहुत सी चीजें हैं, जैसे झाड़ू लगाने वाले हैं, क्या है क्या नहीं, पहले अपन को बहुत सफाई मिलती थी, तनख्वाह उनको बराबर मिल रही थी, अभी तनख्वाह नहीं मिल रही। कोई भी व्यक्ति है काम करता है पैसे के लिए, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है, ठीक है, मैं भी हूँ आप भी हैं कोई भी है, करेक्ट, लेकिन बात यह है कि आगे चल के अगर किसी को पैसा ही नहीं मिलेगा और उसका घर ही नहीं चलेगा, तो वो फिर कैसे काम करेगा किस